Assalamu alaikum students, today our topic is about trigonometry. We will discuss about exercise 15.3 on page number 409. Before starting exercise 15.3, यहाँ हम आपको कुछ formulas शो कर रहे हैं जो use होंगे in questions में. Like अगर लिखा होगा sin theta, साइन थीटा तो आप लिखोगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या और इस तरह भी लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेकेंड थीटा, और टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा. और इसको इस तरह से रेसिप्रोकल कर दें, सेकेंड थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा. ये फ्यू फॉर्मूलाज हैं जो आपके सामने हैं और ये हम इन क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए पुट करेंगे. दीज आर टू मोर फॉर्मूलाज के टेंजेंट थीटा होगा तो हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा होगा तो हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा. नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 15.3. इसमें लिखा हुआ है प्रूफ दैट टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा एंड कॉसेक थीटा. तो आपने ये करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से इसे स्टार्ट करना है और ये इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के. नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा. अब नाउ एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और इसी तरह से कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के. तो हम यहाँ पर टेंजेंट थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हम यहाँ कॉट थीटा की जगह पर लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ऐसा करने के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शंस में वैल्यूज़ हैं और मिड में प्लस का साइन है. हम इसका ले लेंगे एलसीएम. जब हम एलसीएम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा, ये प्रोडक्ट आ गया है. फिर इसके बाद स्टेप ये होता है कि हम इस प्रोडक्ट से, यहाँ पर कॉस थीटा लिखा हुआ है इसका डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म का, तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो रिमेनिंग आ जाता है साइन थीटा, और साइन थीटा को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा से, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. देन उसके बाद प्लस का साइन. अब साइन थीटा से ये वाली प्रोडक्ट डिवाइड करेंगे हम, तो रिमेनिंग बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. इसके बाद मालूम है हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे 1, और नीचे हम लिख देंगे कॉस थीटा एंड साइन थीटा. नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा अलग लिख दिया आपने, डॉट लगाया, फिर 1 अपॉन साइन थीटा अलग लिख दिया. 1 अपॉन कॉस थीटा अगर हम देखते हैं तो मालूम है हमें जो अभी फॉर्मूले हमने डिस्कस किए वो इक्वल होते हैं सेकेंड थीटा के. 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है सेकेंड थीटा के, और इसी तरह से 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल होता है कॉसेक थीटा के. तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड से, और ये क्वेश्चन सॉल्व होकर राइट हैंड साइड हमारे सामने है. तो मींस कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1. लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसे स्टार्ट किया है, और फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए हमने इसे राइट हैंड साइड ले आए हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया है. नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पर आपको साइन थीटा कॉस थीटा सेकेंड थीटा एंड कॉसेक थीटा ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड है,
और ये इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड यानी 1 के। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट स्टेप में हमने कंसिडर कर ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर कर लिया है और ये इक्वल होना चाहिए 1 के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर किया, उसके बाद हमने साइन थीटा इक्वल होता है 1/cosec थीटा के, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। साइन थीटा को इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल होता है 1/secant थीटा के, तो हमने इसको भी रिप्लेस कर दिया। सिकेंड थीटा एज इट इज़ लिखा हुआ है और कॉसेक थीटा भी एज इट इज़ लिखा हुआ है। ऐसा करने से ये होगा कि इसको इससे हम कैंसिल कर देंगे और इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे और रिजल्ट में यह आंसर आ जाएगा 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, यहाँ पर आपको गिवन है कॉस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू सिकेंड थीटा। तो इसका भी हम स्टार्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें गिवन है, ये हमने लिख दिया, हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। इसके बाद हमने लिखा कॉस थीटा प्लस का साइन। अब टेंजेंट थीटा हमें मालूम है कि इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, तो हम यहाँ लिख देंगे। और फिर हमने लिख दिया साइन थीटा एज इट इज़। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कुछ नहीं है तो मींस 1 है, आपने इसका एलसीएम ले लेना है। तो नीचे लिख देंगे आप कॉस थीटा एंड देन जब इस प्रोडक्ट कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे रिमेनिंग आएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा न्यूमरेटर में कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा रिमेनिंग 1, और 1 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा से, तो आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो आपने लिख दिया 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा हमें मालूम है इक्वल होता है सीकेंड थीटा के। तो यही हमें क्वेश्चन ने प्रूफ करना था। और इस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड सेकेंड थीटा हमारा आंसर आ गया है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें ये पूरी वैल्यू गिवन है और हमने प्रूफ करना है ये इक्वल आएगी 2 के, यानी राइट हैंड साइड के। नाउ फर्स्ट स्टेप में वही स्टेप के टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये स्टेप हमने कर लिया है साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा एंड सीकेंड थीटा। अब हमने यहाँ पे लिखा एज इट इज साइन थीटा, और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, प्लस का साइन हमने यहाँ लिखा कॉस थीटा, और सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, फॉर्मूला है। अब इसको हमने कट किया इसके साथ और इसको हमने कट किया इसके साथ, तो 1 यहाँ रिमेनिंग है और प्लस का साइन एंड 1 यहाँ रिमेनिंग है, तो आंसर हमारा आ गया 2। और यही हमें प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया है, रिजल्ट आपके सामने है। नाउ क्लास नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेंजेंट थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर वही स्टेप्स करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू गिवन है टेंजेंट थीटा, फिर गिवन है कॉट थीटा, और ये इक्वल है 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, अब टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरह से कॉट थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब इसको से कट किया कैंसिल किया तो रिजल्ट में यहाँ रिमेनिंग 1 रह गया। तो दिस इज 15.3 part 5, ये आपके सामने क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।